नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की पावन कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। शिव और पार्वती विवाह की कथा। शिव और पार्वती के प्रेम को तो सारा जगत जानता है। भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर में पार्वती माता विराजित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का यह प्रेम कैसे हुआ? आखिर कैसे दोनों विवाह के बंधन में बंधे? आइए जानते हैं क्या है इनकी पूरी कहानी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कहानी सुनिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। महाशिवरात्रि की पावन कहानी जिसमें माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्प थी कि वह विवाह करेंगी तो भोलेनाथ से ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव गंधर्व से भगवान शिव के पास पहुंचाया, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे तीसरी नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान देवी पार्वती की तपस्या तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोलेनाथ ने पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर लें। उन्होंने कहा कि उनके साथ उनका आसन नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं, अब उनके सिवा और किसी से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। भोलेनाथ ने कहा, भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकिनियाँ, शाकिनियाँ और चुड़ैल भी थी। शिव जी की बारात में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता उनके बारात में शामिल हुए, उनके विवाह में शामिल हुए। भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया गया, हड्डियों की माला पहनाई गई। इस अनोखी बारात को देखकर तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। इस बारात को देखकर रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की माँ हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वह विवाह के प्रारंभ के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार करी और वह दूल्हे के रूप में तैयार हो गए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह सम्पन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती का विवाह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। महाशिवरात्रि की मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके अलावा विद्वान जन बताते हैं कि कुमारी कन्याओं को इस नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत को करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाकर जहाँ पर शिव पार्वती एक साथ विराजित हों, पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग कलावे और 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए। अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है इससे, और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए, भगवान को चढ़ानी चाहिए, माता पार्वती को चढ़ानी चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये मैंने कथा सुनाई है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा विधि भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, वो ज़रूर सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।